नमस्कार दोस्तों, सभी इंजीनियर भाइयों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की गई असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है, upsc.nic.in। इस पर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये नोटिस है और यहाँ पर नोटिस जो टॉप पर नोटिस है इसी में उसके बारे में डेट के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये नोटिस है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि 23 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम किया जाएगा। ये एग्ज़ाम जो है 2 शिफ्ट में होने वाला है, ये आपको पहले ही बता दिया गया था जब नोटिफिकेशन आया था इसका। इसके सिलेबस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ध्यान रखिए 23 जनवरी 2022 को इसका एग्ज़ाम होगा। अच्छा टाइम मिल गया है सभी लोग को तैयारी करने का, तो अच्छे से तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए मेरी जो एक टिप है जिसका आप ध्यान रखें वो ये है, टेक्निकल तो आपको सारा कवर करना ही है, टेक्निकल तो आप सारा कवर करेंगे ही, इसके साथ साथ आप हिंदी पे विशेष ध्यान दें क्योंकि हिंदी के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो नॉन टेक्निकल पार्ट है सेकेंड पार्ट का, जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है उसका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर ये सब आने हैं, तो उसमें आप करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान रखें। करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल जाते हैं, तो हिंदी प्लस करंट अफेयर इन्हें सबसे पहले तैयार करें। और हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सबको तैयार करना है तो इन्हें आप बाद में तैयार करें। निश्चित है आपको पढ़ के तो सारा ही जाना है, लेकिन पहले आप ये जो पार्ट मैंने बताए हैं इनकी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करिए। आशा है कि आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।